नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर ने बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों की वोटिंग पर रोक लगा देनी चाहिए और इसके बाद जो है कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि ओवैसी तो उनकी बी टीम है, लेकिन बीजेपी के लोग इस तरह का बयान देकर राजनीतिक अस्थिरता फैलाना चाहते हैं और साथ में वोटों का ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का बयान देते हैं। सुनिए बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को। एजेंडा विभाजनकारी है वो, जिन्ना के नए अवतरण हैं। उनके आने से पूर्व ही किशनगंज में मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं को मारा पीटा गया। उनका एजेंडा है 1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उनका एजेंडा है गजवा हिंद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और भारत का भारतीय समाज जग चुका है, उनका एजेंडा नहीं चलेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विभाजनकारी लोगों का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए, ऐसे लोगों का सुख सुविधा और सरकारी काम छीन लिया जाए। इनसे भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये तुष्टिकरण की नीति में विश्वास करते हैं। ओबीसी आएंगे जाएंगे, बिहार की जनता पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सर, ओबीसी तो आपके लिए ही काम करते हैं वो, ये कहा जाता है। हमारे लिए काम करते तो उनके पार्टी के नाम है मुस्लिम, हमारे पार्टी का नाम है भारतीय, तब जनता तब पार्टी, और उनका है ऑल क्या है मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिमीन। माने नामे में सांप्रदायिकता झलकता है। जिस पार्टी में उसका हेड जो होगा वह कितना माने कट्टर होगा और इस्लामिक होगा, यह समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी लॉस और लाभ के लिए कोई काम नहीं करती है, यह 135 करोड़ जनता के लिए काम करती है। बीजेपी किसी का भी वोटिंग राइट खत्म नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में सबका अधिकार है। अगर वो बोल रहे हैं उनकी मानसिकता खराब हो गई है। अब वो कोई छोटी मोटी पार्टी का, अब हमसे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से चर्चा कर रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो बोले हैं वो गलत है। नहीं, कोई हरज नहीं, आने दीजिए। जनता सब समझती है और जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल के सत्ता में है, युवकों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई को रोक नहीं पा रही है, उस पर निश्चित तौर उसको बेदखल करेगी और हम लोग की सरकार बनेगी। बोलने लायक नहीं है और ये देश में आग लगाते हैं हिंदू मुसलमान बात कर और दंगा फैलाते हैं, फैलाने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है चूंकि ये काम करने वाले नहीं हैं, देश में केवल आग लगाने वाले हैं, न नौकरी देते हैं, न बेरोजगारी मिटाते हैं, न देश में जो महंगाई है उस पर काबू पाते हैं। कोई भी आए नेता, बिहार के लोग उसका स्वागत करते हैं, आने से कोई किसी को नुकसान नहीं, महागठबंधन को नुकसान नहीं है, किसी के आने से कोई नुकसान नहीं। आडवाणी जी की लड़की की शादी कहाँ हुई है, किन लोगों के साथ हुई है, जोशी जी सहित कई ऐसे बड़े नेता हैं जो जिनकी बेटियां की शादी मुसलमानों से हुई है, आप क्यों ऐसे बोलते हो? अपने नेता से पूछो कि आखिर मुसलमान किससे क्यों शादी किया और क्यों उसके खिलाफ में बोल रहे हो, यार आप पूछो उनसे। हम लोग के सिद्दकी जी को तो लीडरशिप हटा दी है, कोई लीडर अभी तक राजद ने अपने शासन काल में अपने दल में किसी मुसलमान को कभी नेता बनने नहीं दिया, केवल मुसलमानों को इन लोगों ने ठगने का काम किया, बरगलाने का काम किया और भाजपा के नाम पर डराने का काम किया। ठीक है, इसलिए भाई वीरेंद्र जो बोल रहे हैं सीनियर हैं, उनके बारे में क्या कहें, लेकिन उनको पूरा इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए कि किस नेता को आज अगर कहा जाए कि राजद एक लीडर को सामने करे कि जो अल्पसंख्यक नेता हों तो सामने कर दे जिसको राज्य की जनता स्वीकार करती है, एक व्यक्ति मुसलमान को इन लोगों ने लीडर नहीं बनने दिया है। निश्चित तौर सफल तो है, लेकिन निश्चित तौर माफिया और पदाधिकारी जो है वो मिली भगत से शराब सब जगह मिल रहा है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात है, वो कड़ेती कर रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी, अगर शराब मिलता है तो पदाधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कई बार पत्र भी लिखा था सर, आपने कई बार पत्र भी लिखा था। हाँ बिल्कुल लिखे हैं और अभी भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मिल रहा है,
बिल्कुल वो शराब माफिया और पदाधिकारियों के मिली भगत से शराब बिहार में हर जगह मिल रहा है। हाँ, उस पर समीक्षा करके पदाधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, शराबबंदी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, अच्छी चीज़ है, गरीब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं। नियत हम लोग का सरकार का सही है कि इसको बंदी होनी चाहिए, लेकिन पदाधिकारी और माफियाओं के मिली भगत से शराब हर जगह मिल रहा है। सर, शराब पी के पकड़े जाने वाले सब गरीब लोग हैं। नहीं, उनको उन पर तो अब छूट हो गया है, लेकिन अब कार्रवाई होनी है माफियाओं पर और पदाधिकारियों पर। सर, ओवैसी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। ओवैसी जी में यात्रा पर बीजेपी ने कहा बजट आने वाला है। कोई शराबबंदी बिहार में नहीं है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर 10 घर के बाहर आपको एक शराब की बोतल मिल जाएगी, शराब के कारोबारी मिल जाएंगे। और राज्य सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में असक्षम है। नीतीश जी का नज़र यहाँ तक नहीं जा पा रहा है। वो शराबबंदी के पक्ष में हम लोग इसकी सराहना करते हैं, लेकिन नीतीश जी के जो कान नाक हैं, आँख है ना, वो सही उनको जानकारी नहीं दे। शराब बिकना चाहिए फिर एक बार। कौन कहेगा शराब बिकना चाहिए भाई साहब? हम लोग तो प्रस्ताव पारित किए हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हम लोग थे। हम लोग ये 60% शराबबंदी हो जाए, 80% हो जाए और 20% बंद हो जाए, कभी इसके पक्ष में हम लोग नहीं थे। हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि बिहार में इस प्रकार की शराबबंदी होगी और पूरे देश में इसका माहौल बनेगा। कांग्रेस